हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरा हालत बहुत ज़्यादा भी ख़राब चल रहा है, मतलब कि बॉडी से रिलेटेड, मतलब थक रही हूँ, थकूंगी ही। इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है काम का। आप लोग बर्तन देखोगे, देखो देख रहे हो बर्तन कितना ज़्यादा है। मतलब जिस समय मैं दुकान का तैयारी करती हूँ ना, उस टाइम में सारा बर्तन धो धो के रख देती हूँ, लेकिन जो सामान दुकान में जैसे मैं डब्बा वब्बा लेके जा रही हूँ, वो वाला बर्तन रह जाता है, तो उसको अभी धोऊंगी। 7 बज रहा है अभी, 6:30 में सो के उठी हूँ, मतलब 6 का अलार्म लगा। एक्चुअली मेरे को तो मन है कि मैं 5 बजे उठ जाऊँ और 8 बजे तक सब कर दूँ, ताकि मैं वीडियो भी बना पाऊँ, रील्स बना पाऊँ, लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रहा है। मेरा बदन में बहुत ज़्यादा दर्द है, दवाई खा रही हूँ, पेन किलर, यही रीज़न है जिसके लिए मैं लाइव भी नहीं आ रही हूँ आजकल। ऐसा कुछ नहीं है कि मोनेटाइज डीमोनेटाइज एंड फलाना एंड ढिकाना, क्योंकि आंटी को मैंने हटा दिया। आप लोगों को पता है हम झूठ ऊट कुछ बोलते नहीं। अब भाई कोई इतना नागा करते रहेगा तो उसको तो हम बैठा कर पैसा नहीं दे सकते ना, हम क्या आप भी नहीं दे सकते। इसलिए हम बोले भैया आप जाओ आप, और अब सारा काम मेरे ऊपर प्रेशर है। नया काम वाली खोज रहे हैं, पर मिलेगी तब ना। आजकल की दुनिया में, आजकल के ज़माने में काम वाली मिलना बहुत मुश्किल है। तो मेरे ऊपर सारा प्रेशर आ गया काम का, इस वजह से मेरा बॉडी बहुत थक रहा है। क्या ही करें हम, बताइए। और उसके अलावा फिर आपका दिन, दुकान की जो तैयारी होती है ना, बैंड बज जा रहा। अभी एहसास हो रहा कि जॉब क्यों छोड़ा मैंने, मतलब जॉब ही करते रहना चाहिए था, क्योंकि ये तो ज़्यादा प्रेशराइज काम हो गया। मॉर्निंग टू नाइट इसी में लग जा रहा है मेरा, और आज मंडे है। बस अब चाय पी ली हूँ, जा रही हूँ फटाफट इसको धो के, फटाफट दुकान का कपड़ा भिंगा करके झाड़ू पोछा करना है, फिर पूजा करना है, मंदिर जाना है। तो मैं ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों के सामने बना दे रही हूँ कि मेरी वीडियो आजकल नहीं आ रही है, मतलब न्यू ब्लॉग वगैरह, न्यू ब्लॉग आएगी, ऐसा बात नहीं है। मैं थोड़ा सा, हम थोड़ा सा अपने आप को मरियल जैसा कर लिए हैं, मतलब थक जा रहे हैं एक्चुअली। जितना प्रेशर पे काम हो रहा है, उसके बाद मेरे को 11:30-12 बज जा रहा है ना, तो उसके बाद हम बिस्तर में चढ़ के नींद आ जा रहा है। फिर हम सो उठ के दुकान की तैयारी कर रहे, दुकान भाग जा रहे, रात को आ रहे, बिस्तर में चढ़ रहे, मतलब नहा धो करके अपना जो भी फ्रेश हो के हम सो जा रहे हैं। तो मेरे पास में कहाँ से, हम तो मोबाइल तक नहीं चला पा रहे। आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, मोबाइल मतलब अभी यूट्यूब में क्या चल रहा है मेरे को कुछ भी नहीं पता है। मेरे को एकदम मतलब हम नहीं देख पा रहे। और जो थोड़ा सा टाइम, मान लीजिए मेरे को दिन में हम जब काम करते रहते हैं ना, उस टाइम मेरे को जो टाइम मिलता है, हम क्राइम पेट्रोल या कोई मूवी, मतलब वही पुराना मूवी या भगवान वाला मूवी, भूत का मूवी, इस तरह का मूवी लगा देते हैं। वो उधर वाला रैक, वो देखिए जहाँ कप सब है ना, उसमें रख देते हैं और बस अपना काम करते रहते देख देख के। तो इसीलिए मेरे को मतलब यह हाल हो गया। तो आप लोगों को बोलना ये चाहती थी कि देखिए क्रंच की वीडियो मेरी आ रही है, टाइमिंग का रहा सवाल है। तो देखिए मेरी एक मॉर्निंग में 12 बजे आएगी, शाम का तो मेरे को थोड़ा सा डाउट लगता, तो दिन में 5 बजे, एक 5 बजे आ जाएगी और रात को 8 बजे आएगी। कोशिश रहेगा 2 वीडियो 3 वीडियो का, लेकिन बाय द वे नहीं हुआ तो 2 वीडियो तो डेफिनेटली 12 और दिन का शाम का 5 बजे। बाकी शॉर्ट्स वीडियो वगैरह आएगा, शॉर्ट्स में थोड़े बहुत मेरे वो होंगे, क्रंच होंगे, प्लस शॉर्ट्स वीडियो आएगा, और क्या बोल रहे थे, व्लॉग भी, एक न्यू व्लॉग रोज का आएगा। ठीक है, ये मेरी वीडियोस रहेगी, आप लोग अपना ध्यान सेटअप कर लीजिए। और ये वाला छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं उसमें भी डाल दूंगी और इसको मैं एडिट कर दूंगी इसके साथ में। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग देखिए। अभी फ़िलहाल तो मैं उसमें पुराना वाला क्रंच की वीडियो एडिट कर रही हूँ, लेकिन मैं इससे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं डाल सकती। और मैं फिर से बोल रही हूँ, देखिए हम लोग खाते हैं, आप लोगों को नहीं खाना है, बॉडी के लिए हार्मफुल है, शुरू से बोलते आए हैं। आगे आप लोगों की मर्जी, आप लोग समझदार हो, आप लोगों को अगर लगता है कि खाली देखना, एंजॉय करने का मजा लेना है तो आप लोग देखो, ठीक है। अब रहा सवाल क्रंच की वीडियो क्यों दी, अरे भाई ये क्रंच का चैनल है, कितनी बार बोलूँ, बहुत बार मैंने बोला। इसमें ऐसा नहीं है मेरा चैनल नहीं चल रहा था, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, ऐसी बात नहीं है, आते हैं। बट देखो ये जो व्यूज़ आ रहे हैं ना, इसमें हमारा चैनल नहीं चलेगा, ये हमारा चैनल फिर ख़त्म हो जाएगा। अगर हमको चैनल को चलाना है तो हम लोग को थोड़ा सा वही चीज़ देना पड़ेगा जो चीज़ पे हम लोग कर रहे थे, ठीक है। आगे आप लोगों की मर्जी है यार,
क्रंच की वीडियो डाल, क्रंच करना या मतलब मट्टी खाने का किसी को शौक नहीं पड़ा हुआ है, मजबूरी में इंसान कर रहा है, इससे दो पैसा बनता है। ठीक है, आजकल की दुनिया में एक कमाई के जरिए से घर नहीं चलता है, हम दुकान कर रहे हैं। अभी मेरा दुकान ऐसा नहीं चल रहा है जैसे मेरा बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाए, होगा ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हो नहीं सकता, ये माहौल वैसा नहीं, मतलब मंदिर बन रहा है, अभी बन जाएगा, जब सब कुछ डेवलप होगा तब पक्का होने लगेगा। वो भी हम तो खुद ही बोले हुए कि जब ऐसा कुछ होगा तो हम शायद यूट्यूब पूरा छोड़ दें, मेरे पास समय नहीं होगा, अभी भी नहीं है। लेकिन इसके अलावा तो मेरे को एक जरिया करना पड़ेगा ना, इसके अलावा मेरे पास क्या जरिया बच रहा है, एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं बच रहा अपनी ज़िंदगी को। अपना सर थोबड़ा देखो मेरा, नेल देखो कितने जमाना से हम नेल पॉलिश तक नहीं लगा पा रहे हैं, तुम कहाँ से एक्स्ट्रा कुछ कर लेंगे भाई। अब रहा सवाल क्रंच का वीडियो, तो देखो तुम लोग को चीज तुम लोग को पसंद है देखना, तुम लोग उसी को देख के व्यूज देते हो, वही सही। अब टाइम स्टाम्प वगैरह ये मैं कोशिश करूँगी डाल देने का कॉमेडी पोस्ट पे, जब मैं फ़ोटो डालूँगी कि ये वीडियो डाला है, आप लोग उसी टाइम पे जाके देखो। ठीक है, छोटा सा रहेगा, बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन मत रखना, बड़ा बड़ा आइटम का मत रखना, छोटा सा रहेगा, क्रंच वीडियो रहेगा, देखो। क्योंकि चैनल को डीमोनेटाइज जो है हो रहा है, अभी किस वे पे, सेक्सुअल कंटेंट, भाई अपना चैनल पे कोई सेक्सुअल कंटेंट है नहीं, सीधी बात है। तो चलिए मैं यही बोलना चाहती थी, अगर आप लोग समझदार हो तो। मेरा टाइमिंग 12 बजे है और शाम के 5 बजे अगर होगा तो रात को 8-9-10 बजे भी एक आ जाएगा, इसके अलावा एक ब्लॉग आ जाएगा, इसके अलावा छोटा मोटा क्रंच उस पर आ जाएगा, उसके अलावा मेरे जो फूड वाला चैनल है उसमें मैं फ़ूड की वीडियो डालूँगी। जिन लोगों को क्रंच के अलावा खाना पीना देखना, फूड का चीज़ देखना पसंद है, वो लोग उस चैनल को जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, शॉर्ट्स वर्सन में, कोई लंबा वर्सन में नहीं है, नहीं तो इट्स ओके, वो धीरे धीरे भी जर्नी लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले भी बोल दिया, अगर वो रफ्तार पकड़ लेगा तो मेरे को टेंशन ख़त्म हो जाएगा फिलहाल। और रहा सवाल मेरा मेन चैनल, तो भाई ये मेरा मेन चैनल पर मैं अभी लाइव नहीं आ रही, ऐसा कुछ नहीं, मेरे को समय नहीं मिल रहा है। ठीक है, और रहा सवाल उसमें वीडियो डालने का, तो देखो मेन चैनल में मैं अभी कुछ नहीं डाल सकती क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता डीमोनेटाइज में करना क्या पड़ता है, मेरे को इसका नॉलेज नहीं है, इसीलिए मैं रिस्क नहीं ले रही हूँ क्योंकि उसमें मेरी यादें जुड़ी हुई है। बाकी मोनेटाइज हो नहीं हो पता नहीं। अब एक ही चैनल का रहा सवाल, तो ये वाला जो चैनल मेरा चल रहा है, अगर कल के दिन इस पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है या कुछ भी ऐसा एक्स वाई जेड होता है तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, अभी मेरे को नहीं मालूम, मैं उसके बारे में अभी नहीं सोची हूँ, जब सोचूंगी तब बता दूंगी। ठीक है, बाकी आप लोग यही करो कि अगर आप लोगों को मेरी क्रंच वीडियो या मेरी जो भी चीज़ पसंद आती है पूरे वीडियो को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करके बताइए और मुझे मोटिव कीजिए, मेरी मजबूरी है जिसके लिए मेरे को ये मट्टी, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। अगर आप लोगों को एक बात और बता दूं, जितना मैंने 3 किलो का पार्सल ब्लैक का मंगाया था मैं सब ख़त्म कर दी खा के विदाउट वीडियो बनाए, तो वीडियो बनाने से ना क्रेविंग कम होती है, लेकिन वीडियो नहीं बना रहे ना तो क्रेविंग ज़्यादा हो रही, क्योंकि अब क्या है कि इसमें हम लोग ज़्यादा ज़्यादा खा ले रहे हैं, और वीडियो में क्या होता है एक साथ इतना सारा बार बैठ जाते हैं लेकिन तो उसमें क्रेविंग मर जाती है, तो इस वजह से मैं सब खा गई हूँ 3 किलो का पूरा। ठीक है, थोड़ा सा टुकड़ा टकड़ी बचा होगा तो अलग बात है, तो आप लोग इसी से अंदाज़ा लगा लो, और मेरे शक्ल से पता चल ही रहा होगा मैं क्या करूँ क्या करूँ, क्रेविंग है, मन करता है, मेरा है ही भाई नशा है मेरे को, तो है। चलो ठीक है, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। और हाँ, प्रॉब्लम नहीं होती है इससे खाने को बॉडी में, कौन बोला, होती है बहुत ज़्यादा होती है, शरीर वीक होता है, तकलीफ ही तकलीफ है, लेकिन भाई ये हर कोई के लिए नहीं है, जो लोग हम लोग को देख के नया नया खा ले, जो लोग खाना स्टार्ट कर दे उन लोगों के लिए, जिन लोगों के बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों, अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग खाओ, आप लोग रिलैक्स करो, सुनो, सब साउंड को रिलैक्स करो। ठीक है, दिखाने के लिए दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सब देख कर अगर खाना सीख जाएंगे ना तो मेरे में क्या फ़र्क रह जाएगा, इंसान मतलब क्यों फिर मेरे को भगवान इंसान का जन्म दिया था, मेरे को जानवर ही होना चाहिए था। हम भी समझते हैं चीज़ों के, परखते हैं कि ये चीज़ सही है, वो चीज़ सही है, वो चीज़ गलत है, ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को अगर हम लोग रिलैक्स दे रहे हैं तो आप लोग उस चीज़ को इन्जॉय करो, अगर आप लोग इसको आदि बनाओगे अपने बॉडी पे लेके जो कि आप लोगों को सूट नहीं करेगा, तो इसमें आप लोगों की गलती हमारी नहीं। ठीक है, हम ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाते जिनको हमारी क्रंच की वीडियो पसंद है, हमारा क्रंच का साउंड पसंद है, हम ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाते हैं, बाकी बॉडी का प्रॉब्लम्स तो है फिर भी। बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय बाय।
हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छी होंगे। मैं आज आप लोगों को बाहर से वेदर इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आज का मौसम बहुत ज़्यादा साफ है और पूरा बादल किया हुआ है। अभी जस्ट थोड़ा हल्का हल्का धूप दिख रहा होगा, लेकिन अभी मॉर्निंग से बहुत अच्छा वेदर था, बहुत ही ज़्यादा। मैं आप लोगों को बाहर से दिखाती हूँ वेदर। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ का वेदर, ठीक है, कितना अच्छा वेदर है यहाँ पर। अभी हल्का सा धूप पड़ा है, बारिश हो रहा था, अभी पूरा बारिश हुआ है, ये पूरा बारिश है, भींगा है। चलिए हम लोग नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं। तो मेरा घर का पूरा काम हो चुका है कम्प्लीटली, सारा कुछ। मैं रात को ही बर्तन धो ली थी दुकान से आकर के, मतलब करना। मैं बता रही हूँ कैसा क्या क्या मुझे करना पड़ता है। फिलहाल उसके पहले मैं दिखा रही हूँ कि मैंने चने की दाल लिया है। चने की दाल का मैं तड़का बनाऊँगी, साथ में बनाऊँगी मैं लूची, यानी कि पूड़ी। लूची का मतलब होता है मैदे से बना हुआ छोटे छोटे साइज़ का पूड़ी, उसको बोलते हैं बंगाल साइड में लूची, ठीक है। तो मैं वही बनाने वाली हूँ और इसका मैं बनाऊँगी मस्त वाला तड़का, ठीक है। और मेरा सारा काम हो गया कम्प्लीटली, कुछ भी नहीं मेरे को बाकी करना है, सब कम्प्लीटली कर ली हूँ। बस मुझे नहाना है अभी और कपड़ा वॉशिंग, इस वॉशिंग मशीन को, जो जिसने भी इस वॉशिंग मशीन को परचेस करना चाहते प्लीज़ मत करिएगा। इस पर बिल्कुल भी कपड़ा साफ़ नहीं होता है, कोई मतलब नहीं है, बेफालतू का 40,000 का वॉशिंग मशीन है ये। अभी मैंने पूरे कपड़े बाल्टी में डुबाया है, मैं आज धोऊंगी हाथ से रगड़ के, क्योंकि मेरे को चैन नहीं मिल रहा गंदा कपड़ा। और इससे बेटर, सबसे बेस्ट है मिनी क्या बोलते हैं उसको, सेमी ऑटोमेटिक है ना, जो सबसे पहले निकला था वो वाला, सबसे बेस्ट है। उसमें सारा जैसे भी कपड़ा धो, पोछा पाछी सब सब साफ हो जाता है। तो ये बेकार है, अब क्या कर सकते हैं इसको रख के। फिलहाल मैं हाथ से धोने के बाद इस पर डाल दूँगी, ठीक है। और आप लोग देखना चाहते हैं यार, पूजा वूजा तो रणवीर करेगा, मैं थोड़ा सा मेरी प्रेयर्स हूँ तो इसलिए मैं नहीं कर सकती। तो भगवान जी का घर ऐसे ही पड़ा हुआ है, बाबू कर लेता है। बस आज मैं दुकान नहीं करूँगी, क्यों नहीं करूँगी वो बताती हूँ। देखिए मेरा, मैंने जो स्लेट आइटम मंगाया था ना, ये देखिए इसका आधा हिस्सा मैं खा गई, मैं 4-5 पीस था ना, मैंने सब खा गया। और ये वाला आज हम लोग इसका एक वीडियो बनाएंगे ब्रोक करते हुए, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं फटाफट नाश्ता वास्ता बना लेती हूँ, उसको चढ़ा देती हूँ कुकर में, और उसके बाद में फिर मेरे को आज जाना है बाजार। बाजार से मेरे को एक्चुअली मेरे को अचार बनाना काम लेना था, लेकिन अब मेरा शरीर ख़राब है, मैं ले नहीं सकती क्योंकि ऐसे में अचार नहीं बनाना चाहिए, क्या होता है कि पूरी तरह से वो ख़राब हो जाता है। मैं बैक कैमरा पे आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे को वेदर दिखाने का बहुत ज़्यादा मन था, बड़े धूप निकल गया है। मैं सुबह से बाजार जाने के लिए फटाफट कर रही हूँ, 10 बज चुके हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को फ्रंट कैमरा से दिखाती हूँ, नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद में तब तक मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ, ठीक है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैंने आप लोगों को आगे से सारी वीडियो दिखाई थी, अब मैं बैक फ्रंट कैमरा से दिखा रही हूँ। तो कैसे हैं आप सब? वो अच्छे होंगे। मैं इतने दिन से ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, उसमें भी दुकान करना रहता है, सुबह उठ कर के घर का काम, खड़े होकर के, ठीक है, खाना पकाओ खड़े होकर के,
उसके बाद में फिर ये छोटा मोटा ब्लॉगिंग करो, फिर एडिट करो, फिर 2 बजे से दुकान की तैयारी करो खड़े होकर के, फिर वहाँ दुकान में जाओ 5:30-6 बजे कंटिन्यू, रात के 10 बजे तक खड़े रहो। सोचो मेरा पैर का क्या हाल हो रहा है, पूरी तरह पैर मेरा डैमेज। ये देखिए ये रुक गया यार, ये मशीन मत लेना यार, इसको चालू कर तो फिर से, ये रुक गया, ये नहीं चलेगा, ये रुक गया, बंद करके फिर चालू कर दो इसको। तो ये मशीन ना बिल्कुल बेकार हो गया, पता है, इसको मत लेना यार, और ख़ास करके पैनासोनिक। तो आज हम लोग नाश्ता में क्या बनाए हैं देखिए, मैंने इसका जो जितना प्रिपरेशन है ना मैंने डाल दिया अपने शॉर्ट चैनल पे, मैं वहाँ डाल दूँगी या मेरे इस ब्लॉग आने के पहले शायद डाला जाए एडिट होके, आप लोग देख लेना। देखो लुच्ची है ये, एकदम नरम नरम लुच्ची, मैदे की पूड़ी, और ये चना दाल का तड़का है। इसको मैंने ऐसे गोटा क्यों रखा है, क्योंकि चना दाल का तड़का है, नरम कर दूंगी तो दाल बन जाएगा। तो ये इसमें मैंने नारियल भी डाला है। तो ये नाश्ता है आज का मॉर्निंग का। आज मैं दुकान नहीं करूंगी क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ इसी वजह से, और थोड़ा मार्केट भी जाना है। तो ये नाश्ता जो है रणवीर के लिए, मालिक के लिए सर्व कर रही। लीजिए मालिक, खाइए। यस, चलिए मैं फटाफट ये नाश्ता बनाती हूँ, खाती हूँ, खा दिखाती हूँ, और उसके बाद ये इसका एक छोटा सा शॉर्ट्स में खाने का वीडियो, साथ में प्रिपरेशन का वीडियो, 2 वीडियो मेरी उस चैनल पे आएगी साथ में। खा पहले मैं रेसिपी शेयर करूँगी, उसके बाद क्या खा रही हूँ वो शेयर करूँगी, ठीक है। और मुझे लग रही बहुत ज़्यादा जोर से भूख, खा नाश्ता करने के बाद में फिर तैयार होकर फिर बाजार जाना है। तो चलिए इसको करते हैं कंटिन्यू और फटाफट नाश्ता वगैरह बनाते हैं। मेरा नाश्ता तैयार हो गया है, मैं खा लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, तो स्टार्ट करती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा है। ये आप लोगों को मेरे शॉर्ट्स चैनल में मिल जाएगा खाते हुए। देखो ये लाल साग है, इसका आज मैं किस तरह से बनाऊंगी पूरा आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग मेरे को बोल सोचते होगे लाल साग दीदी की तक आती है, एक्चुअली इस टाइम पे ये सब साग मिलता है, और आप लोग भाजी बोलते हो ना, हाँ, तो ये जो साग हमारे यहाँ साग बोलते हैं मतलब झारखंड में, तो साग जो होता है ना उसको खाना चाहिए, चाहे कितने दिन कितने बार रिपीटेड वो मत देखो। खाने से क्या शरीर में, हम तो ऐसी मट्टी खा के अपना शरीर कमज़ोर कर लिए। एटलीस्ट ये जो चीज़ पसंद है ये क्या ब्लड बनाता है, ठीक है, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, बस इसको बनाने का तरीका होना चाहिए, तब जाके ये इसके ये जो भी साग भाजी होती है ना उसके अंदर टेस्ट आता है। एक ये भाजी वाली सब्जी हो गई, ये तो सूखा बनेगा, ठीक है, और एक ये जिसको बोलते हैं डांठा साग, डांठा, ये डांठा जो दिख रहा है ना आपको, ये तो मैं सलाद वलाद के लिए अभी से फ्रिज से निकाल के रखी हूँ। इधर मिर्चा टमाटर ली हूँ और इसमें आलू प्याज सब डाल के काटूँगी। तो ये जो होता है ना डांठा, ये डांठा पोस्तों से बनता है, सरसों और पोस्तों की का मसाला से बनता है, ठीक है। ये खाने में इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी। ये भी वही है, बनाने के ऊपर निर्भर है कैसे बनाते हो। एक्चुअली ये आप लोगों को ज़्यादा उड़ीसा में और बंगाल और झारखंड, ये 3 जगह में ये सब डिशेस खाने को आप लोगों को मिलेगा। जैसे आप लोग कितने जगह से बिलोंग करते हो, झारखंड, हरियाणा से, दिल्ली से, मथुरा से, कहाँ कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हो, तो आप लोगों का हर जगह का डिशेस अलग अलग होता है ना, तो ये हमारे इधर का डिशेस है, ठीक है। और यहाँ छत्तीसगढ़ में भी खैर ये मिलता है, तो इसको बनाने का तरीका होता है, बहुत लोग ऐसे ही बना देते हैं इसको, लेकिन इसको अगर आप सरसों पोस्तों देके बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। स्टेप 1,
साग रेडी है। सब्जी रेडी। बंद कर। ये देखिए मंदिर के पास हम लोग जैसे पहुंचे वहां पर इतना जोर बारिश होने लगा है, देख लीजिए क्या सुंदर भगवान जी का आरती चल रहा है। मेरा नसीब इतना अच्छा कि मैं शाम का रोज आरती सुनती हूँ, रोज इतने बड़े मंदिर का सोचो, और कोई ऐसा नसीब नहीं मिलता। देखो बारिश हो रहा पूरा बाजार जाना कैंसल, वापस न्यूटन घर पूरा भींग है, मैं और रंजीत पूरी तरह भींग है। दुकान के पास खड़े हुए हम लोग, इधर काका खड़ी हुई है पीछे, घर कोई मतलब नहीं बाजार जाने का, पूरा भींग गए हैं। देखिए फ्रेंड्स पूरा भींग गए, निकले थे बाजार जाने के लिए छुट्टी करके, आज शॉप को बढ़ा करके पूरा भींग गए, बहुत जोर बारिश हो रही है यहाँ पर। आज मैंने बोला ना यहाँ का वेदर थोड़ा वो है, अच्छा था, पूरा भींग गए। अब क्या जाएंगे, छोड़िए अब कल जाएंगे, कल नहीं सॉरी और किसी दिन जाएंगे, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ अब छुट्टी नहीं मार सकती, एक दिन मार ली काफ़ी है। जा रही हूँ ड्रेस चेंज कर लूँगी, और ये मैं पाव भाजी का पाव लेकर के आ गई हूँ, और उसका सब्जी, बटर नहीं है, अब देखती हूँ बटर का। तो चलिए पाव भाजी खाया जाएगा, पाव भाजी बन खाया जाएगा, ठीक है। चलिए बाजार चला जाए, बाजार में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग डी मार्ट आ गए हैं, मैं यहाँ पर म्यूट करती हूँ वॉइस को, मैं यहाँ वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये डी मार्ट है, बहुत ज़्यादा ही दूर है, बहुत ही ज़्यादा, और इतनी गर्मी में मैं सोनम रणवीर गए थे। डी मार्ट ठीक है, मतलब ठीक ही है, यहाँ पर फूड आइटम एंड आपका जो किचन सेट्स वगैरह अच्छा मिलेगा यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से विशाल में क्या है, आपको किचन का प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस बैग वगैरह जो भी है वहाँ मिलता है, यहाँ पर उस टाइप का वैसा कुछ खास नहीं था। बट यहाँ का कपड़ा थर्ड क्लास था, पूरा फुटपाथ के कपड़े से भी बदतर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बाकी यहाँ पर आपको खाने पीने का जो आइटम है ना वो आपको सही मिलेगा, ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम गई थी, मुझे कुछ वैसा कुछ नहीं लगा, मुझे इससे ज़्यादा बेस्ट लगता है विशाल। मैं यहाँ से वापस विशाल गई थी कुछ चीज़ लेने के लिए जो कि यहाँ मुझे नहीं मिला था, तो ये छोटा मोटा मैंने किया है, सोचा कि इसमें ऐड कर दूँ। हम लोग गए थे, है बहुत ज़्यादा बड़ा, लेकिन इतनी गर्मी में इन लोगों ने भी एसी को पूरी तरह से मतलब थोड़ा बहुत चलाया है, बाकी पूरा बंद करके रखे हैं। मुझे तो ये सबसे बेस्ट लगता है अपना ऑनलाइन शॉपिंग, सबसे बेस्ट है यार, घर पे ही सामान आ जाएगा। बाय द वे आपको कुछ मंगाना है तो इतना मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये विशाल का है, हाँ मैं विशाल आ गई थी और ये विशाल का है, इसी में मैंने ऐड कर दिया है। मुझे ज़्यादा बेस्ट विशाल का लगता है, मुझे लेना है ये अपना, क्या बोलते हैं यार उसको, वो लेने जाना है मुझे। तो ये विशाल में देखो, ये ज़्यादा महंगे का भी नहीं, 20-30-50 इस तरह जैसे जैसे है, लेकिन उतना भी महंगा नहीं है, और प्लस क्वालिटी वाइज भी बोलोगे बहुत अच्छा है, बेटर है, मेरे को तो विशाल ही अच्छा लगा। इसके बाद थोड़ा बहुत हम लोगों ने यहाँ से लिया, और डी मार्ट से मैं क्या क्या ली हूँ आप लोगों को आगे वाली आगे वीडियो में दिख जाएगा मैं क्या ली हूँ। जो मुझे खास लेने के लिए जाना था वही मैं गई हूँ, और सोनम का तबीयत भी ख़राब था इसलिए मैं जल्दी जल्दी करके हम लोग निकल गए। हम लोग यहाँ पर कंफ्यूज थे 25 लीटर 5 लीटर के लिए, ये अच्छा है टूर वगैरह जाने के लिए, पानी का जार अच्छा है। तो ये यहाँ से मैंने वॉइस ओवर किया है, आप लोगों को अगर पसंद आए तो बताना। ये देखो ये ना ट्रैवलिंग के लिए, अगर लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं विद फैमिली के साथ में, तो ये ट्रैवलिंग के लिए वाटर के लिए अच्छा है ये, इसमें पानी बहुत ज़्यादा देरी तक ठंडा रहता है, बहुत पहले यूज़ किया गया था तो मुझे पता है। और ये विशाल, ये रणवीर का साइड था तो उसको पसंद नहीं आया, मैंने बोला था उसको कुछ ले लेने, वो बोलता नहीं मम्मी मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है कलर वाइज के हिसाब से, बाकी डी मार्ट से अच्छा ही है। तो मैं यहीं पर वॉइस ओवर करती हूँ बस। तो फ्रेंड्स मैं बाज़ार से आ गई हूँ, मेरे को मेन ये लेना था टेबल, देखिए ये मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत था इसका। और Red.
हाय फ्रेंड्स, देखिए मेरा मेन्यू, आलू भरबत्ती, आलू पटर, राइस, पूड़ी, नेनुआ का दाल, साथ में खीरा, क्योंकि मैं ऐसा ही खीरा खाना पसंद करती हूँ।